नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर अंजना डॉट कॉम। दोस्तों आज हम बात करेंगे आइडिया की, जो कि लगातार 3 दिनों से हाई बना रहा है और 3 दिन में ही 3 गुना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपये की जगह अब वो 6 रुपये का हो गया है। तो दोस्तों हम वीडियो की बात करेंगे, चार्ट पर उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और दोस्तों आप जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक वीडियो चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस पे, एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स, इंडिकेटर, सारी बातें आपको फ्री में सिखाई जाएगी। तो दोस्तों फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और चैनल पर लगातार रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, ये है आइडिया का चार्ट, हाई बनाया है इसने, और ये देखिए 3 दिन से लगातार हाई बना रहा है और 2.40 रुपये से आज इसने हाई लगाया 6.40 रुपये का, यानी कि 2 रुपये से 6 रुपये का हो गया है महज 3 ट्रेडिंग सेशनों में। तो अब देखने वाली बात ये है, और ऊपर से वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना तेज़ हो रहा है। ये पिछली बार इतना वॉल्यूम अब तक आया ही नहीं था। ये देखिए यहाँ वॉल्यूम कितना था, 86 मिलियन, और अभी पिछले 3 दिनों का, आज का ही हम लेटेस्ट अगर देखें तो 1.03 बिलियन, यानी कि आप मोटा मोटी में, आपको अगर मिलियन बिलियन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है, ये वाला देखिए, ये है 666 वाला, ठीक है। और ये जो है ये बिलियन है, यानी कि ये मिलियन है। अगर हम अपने देश की बात करें तो मान लीजिए ये अगर हज़ार है तो ये लाख है। तो उस हिसाब से बिलियन में किसी शेयर में ट्रेडिंग होना कोई छोटी बात नहीं है, और लगातार इतने हाई वॉल्यूम में इतना 3 गुना शेयर हो जाना, आज की अगर आप अकेले की ही बढ़त देखिए इसमें तो 35% 36% की एक शेयर में बढ़त होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके पीछे कुछ जानकार लोगों का ये मानना है कि जो सरकार ने या जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर टैक्स लगाया है, वो सरकार विचार कर रही है कि उस पर कुछ रोक लगा दी जाए या टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत दी जाए, जिससे कि इनको संभलने का एक मौका मिल जाए। तो इसके चलते ये 3 दिन में 3 गुना हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।